नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुख करते हैं फटाफट खबरों की ओर। राहुल ने कहा कि इस बजट की नियत केवल एकाधिकार वाले उद्योगपतियों, एकाधिकार वाली राजनीति और एजेंसियों को मजबूत करने की। राहुल ने आरोप लगाया कि देश में कर आतंकवाद है और इसे रोकने के लिए बजट में कुछ नहीं किया गया। संसद के मानसून सत्र का आज नवा दिन है। आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र के बजट को लेकर अपनी बात रखी। राहुल ने अपने संबोधन के दौरान केंद्र सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा। राहुल ने इस दौरान महाभारत, अभिमन्यु और चक्रव्यूह तक का जिक्र किया और बजट को लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ तक करार दे दिया। 20 जून को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण 65% तक बढ़ाने वाले कानून को रद्द कर दिया था। पटना हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले ही बिहार सरकार की नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को बढ़ाने के फैसले पर रोक लगा दी। अब इस फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अब सितंबर में सुनवाई करेगा। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा मानहानि मामले में दायर अपील पर दिल्ली की साकेत कोर्ट ने एलजीबी के सक्सेना को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा। समाजवादी कार्यकर्ता मेधा पाटकर मानहानि मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट में अपील दायर की थी। सोमवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा। मामला 4 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। कोर्ट ने मेधा पाटकर को दी गई 5 महीने की सजा को निलंबित कर दिया है। सीएम ने शिव भक्तों से अपील की है कि हम व्यवस्था के साथ जुड़कर यात्रा का न केवल आनंद ले बल्कि श्रद्धा विश्वास के साथ आत्मानुशासन का परिचय देते हुए पावन श्रावण मास की कांवड़ यात्रा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में योगदान दे। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा जग विख्यात है। उत्तर भारत समेत पूरे देश के अंदर इस दौरान शिव भक्त महादेव के अनुष्ठान में लीन होकर सभी शिवालयों में जलाभिषेक के साथ अपनी असीम भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। विधानमंडल सत्र के दौरान सपा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। पहले दिन सपा के सदस्य तख्तियां लेकर सदन में प्रवेश करेंगे जिन पर आम जन के मुद्दे लिखे होंगे। विधानमंडल दल की बैठक में सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर रणनीति बनाई गई। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और 7 बार के विधायक माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता विरोधी दल बनाया गया। इसके अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायक कमाल अख्तर को सपा विधानमंडल दल के प्रमुख सचेतक और राकेश कुमार को उप सचेतक बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजा है। महबूब अली को अधिष्ठाता मंडल में शामिल किए जाने की संतुति भी की है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 जुलाई को मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दी। इस मामले में 8 अगस्त को सुनवाई होनी है। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की पेशी हुई थी। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। 1 जून से 28 जुलाई तक बिहार में सामान्य से 33% वर्षा कम रिकॉर्ड किए गए। अगर एक जिला किशनगंज को छोड़ दिया जाए तो अन्य जिलों की स्थिति काफी चौंकाने वाली है। सावन महीने में भी बिहार का मौसम पूरी तरह कमजोर दिखा। सामान्य से कम बारिश होने के कारण पूरे बिहार गर्मी और उमस की चपेट में। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। आम नागरिक ही नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी नाले सूखने के कगार पर हैं। ऐसी स्थिति में अगर बिहार की खेती कमजोर पड़ती है और बिहार सुखाड़ की ओर अग्रसर होता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक हासिल करते हुए ओवरऑल टैली में शीर्ष 5 में पहुंचकर विश्व में भारत का मान बढ़ाने वाली भारतीय टीम का हार्दिक अभिनंदन। इस उपलब्धि ने भारत की मेधा को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों से मन की बात की। मुख्यमंत्री ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखकर मन की बात की तारीफ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में उनके उद्बोधन को प्रेरणादायी बताया।
मायावती ने कहा कि भाजपा में जारी घमासान व इनकी अंदरूनी लड़ाई सदन में भी हावी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान जनता व प्रदेश के हित में कार्य हो तो बेहतर होगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भाजपा की अंदरूनी रार पर तंज कसते हुए कहा कि मानसून सत्र में इससे हावी नहीं होनी चाहिए। विधानमंडल का सत्र शुरू होने से पहले उन्होंने बाढ़, अतिक्रमण, बढ़ती महंगाई और लचर कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की घेराबंदी की। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त के 65वें जन्मदिन पर उनके प्रशंसकों को तोहफे के रूप में उनकी आगामी फिल्म केडी द डेविल का पहला लुक देखने को मिला। इस फिल्म में संजय दत्त धाव देवा के रूप में नजर आएंगे। संजय ने अपनी फिल्म का पहला लुक सोशल मीडिया पर साझा किया। इस फिल्म में संजय एक रहस्यमय किरदार में नजर आएंगे जो द लॉर्ड ऑफ डेविल्स डेमोक्रेसी के नाम से प्रसिद्ध है। संजय दत्त के 65वें जन्मदिन के अवसर पर उनकी आगामी बहुप्रतीक्षित फिल्म केडी द डेविल से उनका पहला लुक सामने आ चुका है जो बेहद ही शानदार है। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।